स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है प्राचार्य का अनाचार, छात्राओं पर शिक्षक की बुरी नजर, बैड टच और छेड़खानी का आरोप। जिले में 24 घंटे में ये दूसरा मामला। गरियाबंद छुरा के निजी गर्ल्स छात्रावास में नाबालिग छात्राओं के साथ हुए छेड़छाड़ और दैहिक शोषण के मामले की जांच चल ही रही थी कि मंगलवार को गरियाबंद ब्लॉक के मर्दाकला में एक और शिक्षक पर छात्राओं पर बुरी नजर रखने का मामला सामने आया है। मर्दाकला हाई स्कूल में पदस्थ प्राचार्य रवि प्रकाश अंगारे पर उसी संस्थान के छात्राओं ने बैड टच छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस पर आज हाई स्कूल के 20 से भी ज्यादा छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्राचार्य की लिखित शिकायत की है, जिसमें बताया गया है कि 8 सितंबर को प्राचार्य द्वारा छात्राओं से छेड़खानी और बदतमीजी की है। आगे लिखा है कि इसके पहले भी कई छात्राएं प्राचार्य के इस करतूत की शिकार हो चुकी है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, चेकिंग के दौरान गाड़ी से मिले 1,80,00,000 के सोने चांदी के जेवर, पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा। जांजगीर चांपा, चांपा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स पर 2 वाहनों से सोना चांदी के जेवर जब्त किया है। इसमें 2.11 किलो सोना और 75.41 चांदी का जेवर बरामद किया गया है। जब्त किए गए जेवर की कीमती 1,80,17,960 रुपये है। पुलिस द्वारा बरामद सोना चांदी को धारा 102 CRPC के तहत जब्त किया गया है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और GST विभाग को मामले की सूचना दे दी गई है। इस मामले में पुलिस ने शंकर लाल सोनी और सौरभ कुमार सराफ को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस लहर में हारने वाले पार्टी प्रत्याशियों को नहीं मिलेगा टिकट, नए चेहरों को देंगे मौका। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2018 की कांग्रेस लहर में हारने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, वहां कांग्रेस युवाओं और महिलाओं को मौका देगी। इसके अलावा कई सिटिंग विधायकों की भी टिकट कटेगी। इस तरह से लगभग 40 सीटों पर कांग्रेस नए चेहरों को टिकट देगी। इस संबंध में वरिष्ठ नेताओं की बैठक में सहमति बन गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, शादीशुदा महिला के साथ अवैध संबंध ने ले ली युवक की जान, पति के साथ महिला के पिता और भाई ने ऐसे दिया घटना को अंजाम। राजधानी रायपुर के उरला के अछोई तालाब में युवक की लाश मिली है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उरला निवासी शादीशुदा महिला का युवक अवधराज के साथ अवैध संबंध था। पिछले 5 महीने से महिला युवक के साथ उसके घर में रह रही थी। इस बात को लेकर नाराज महिला के पिता और भाई के साथ पूर्व पति ने युवक की हत्या की साजिश रची। मौका देख तीनों ने युवक अवधराज की गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद तीनों आरोपितों ने युवक के शव को अछोई तालाब में फेंक दिया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सब्जी बेचने जा रहे किसान को गाड़ी ने मारी ठोकर, मौके पर मौत, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। बिलासपुर संदरी में सब्जी बेचने जा रहे किसान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। ये हादसा संदरी नया पुल के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक निरतु गांव से किसान तिहार कैमवट सब्जी बेचने निकला था। इस दौरान नया पुल के पास अज्ञात वाहन ने उसे ठोकर मार दी। इस हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर दिया है, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, पोरा तिहार की धूम, सीएम के घर पर बनने लगा ठेठरी खुरमी, ट्वीट कर साझा की धर्मपत्नी की तस्वीर। छत्तीसगढ़ में तीजा पोरा तिहार की धूम जल्द देखने को मिलेगी। ये त्योहार 17 सितंबर यानी रविवार को मनाया जाने वाला है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए अपने घर की एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उनकी धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ठेठरी खुरमी बनाती हुई नजर आ रही है। बता दें, पोरा त्योहार भादो महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। बच्चे मिट्टी के बैल चलाते हैं। इस दिन बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, गरीब परिवार का बेटा बना डिप्टी कलेक्टर, 10 साल की उम्र में माता पिता का हुआ देहांत, चाचा ने उठाया पालन पोषण और पढ़ाई का जिम्मा, सी गपी ससी में आशीष ने पाई सफलता। कोरबा जिले के अंतिम छोर पोंडी उपरोडा ब्लॉक के ग्राम कोरबा के बुढ़ापार के रहने वाले आशीष कुमार पेंद्रो ने CGPSC की दूसरी परीक्षा में सफलता पाते हुए डिप्टी कलेक्टर बने हैं। उनका पूरा जीवन संघर्षों के बीच बीता है। बचपन में ही महज 10 वर्ष की उम्र में ही माता पिता का देहांत हो गया। चाचा बनवारी लाल पेंद्रो व चाची कलेश्वरी सिंह पेंद्रो ने आशीष का पालन पोषण किया और आगे की पढ़ाई कराई।
लेकिन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले आशीष को आर्थिक परेशानियों से भी जूझना पड़ा। डिप्टी कलेक्टर बने आशीष कुमार पेंद्रो ने शासकीय स्कूल से ही शिक्षा ग्रहण की, जहां उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई गांव के ही शासकीय स्कूल से प्राप्त की। फिर कक्षा 6 से 10 तक की शिक्षा शासकीय स्कूल छुरी से प्राप्त करने के बाद कक्षा 11 से 12 तक की पढ़ाई शासकीय स्कूल कटघोरा से प्राप्त की। आशीष ने CGPSC की प्रथम परीक्षा में ही कड़ी मेहनत कर जिला सेनानी पद पर सफलता पाई, लेकिन उनका मुकाम और सोच बड़ी थी, इसलिए उन्होंने आगे की तैयारी प्रारंभ रखी और CGPSC के दूसरे प्रयास में बड़ी सफलता पाते हुए डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित हुए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को सस्ती मिलेगी जमीन, CM भूपेश बघेल का ऐलान। नवा रायपुर में बनेंगे कॉमर्शियल हब के साथ एरोसिटी और शहीद स्मारक। नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 35 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें कॉमर्शियल हब, एरोसिटी और शहीद स्मारक शामिल है। इस दौरान CM ने ऐलान किया कि यहां कॉमर्शियल हब में व्यवसायियों को 540 रुपये स्क्वायर फीट में जमीन दी जाएगी। नवा रायपुर में सेक्टर 77, 23, 24, 34, 35 और 40 में 1083 एकड़ में कॉमर्शियल हब विकसित किया जा रहा है। इस हब का मकसद निवेश, बसाहट और कॉमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसी के तहत कारोबारियों के लिए ऐलान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र के ग्राम परसदा सेक्टर 3 में VIP बटालियन के लिए 42 एकड़ जमीन चिन्हांकित की गई है। इसमें से 13 एकड़ में शहीद स्मारक की स्थापना की जाएगी। इसी तरह नवा रायपुर के लेयर 3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के पास ग्राम बरोदा और रामचंडी के चिन्हांकित 216.63 एकड़ में एरोसिटी विकसित की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, आयुर्वेदिक डॉक्टर के एलोपैथिक उपचार से महिला की मौत, इंजेक्शन लगाते ही मुंह से निकला झाग, फिर कहा हालत गंभीर है, दूसरे अस्पताल ले जाओ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के उपचार से महिला की मौत हो गई। आरोप है कि डॉक्टर एलोपैथिक पद्धति से इलाज कर रहा था, जिसके चलते महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद शव ऑटो में रखकर दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही। महिला की मौत का पता चलते ही परिजनों ने हंगामा कर दिया। फिलहाल जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक कमेटी गठित की है। इधर आयुर्वेदिक डॉक्टर नितिन वी योगी ने महिला के परिजनों के आरोप को गलत बताया। उनका कहना है कि महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया गया था, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, अस्पताल में सुविधा नहीं होने के कारण महिला को दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा गया। अब उसकी मौत के बाद परिजन बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, शाह की सभा में आ रही पिकअप पलटी, गाड़ी से उछलकर दूर गिरे ग्रामीण, 20 से ज्यादा लोग थे सवार, 10 को आई चोटें। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने आ रही कार्यकर्ताओं से भरा पिकअप वाहन पलट गया है। बताया जा रहा है कि इस वाहन में 20 से ज्यादा ग्रामीण और कार्यकर्ता सवार थे, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों को चोटें आई है। मामला जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कुछ की स्थिति नाजुक भी बताई जा रही है। सभी घायलों को एम्बुलेंस 108 से जिला अस्पताल लाया जा रहा है। ये सभी ग्रामीण और मजदूर कटेकल्याण ब्लॉक के हैं। पिकअप वाहन से दंतेवाड़ा आ रहे थे, इसी दौरान बड़े लाखापाल के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया।